देखिए मेरे स्पेशल मेरे पड़े दोस्त आपका कैमरा रहेगा जो देश में पड़े दोस्त हैं तो 6 महीने पहले मुझे उन्होंने आइडिया दिया कि आप तो एक्टर बन सकते हो। इन्होंने मुझे एक्टर बनने के लिए दोबारा मोटिवेट किया। हालांकि मैं एक्टर बनने आया था बहुत पहले, फिर प्रोड्यूसर बन गए। तो जब इन्होंने कंसेप्ट बताया कि एक ऐसा गाना बढ़िया है अपने पास है, तो ये गाना बिल्कुल मेरे रियल लाइफ में बिल्कुल मैच कर रहा था, तुरंत गाना पसंद आया। बोलो फोन कर। तुरंत हमने अपना एक्टर बनने का जो एक सिस्टम होता है वो शुरू किया और बोला कि आप पूरी तरीके से 6 महीने की कड़क मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट निकाल के ले गए, बहुत शानदार प्रोडक्ट, पक्का सबको पसंद आया। दिनेश सर कैसा अनुभव था इसको शूट करने का और कहाँ पे? बड़ा अच्छा लगा मेरे को। सूर्य मुझे ऐसा लगा कि दूसरा सूर्य, जबकि मैं तुलना नहीं करनी चाहिए, बट मुझे लगा दूसरा सूर्य आ गया। हमने एक्शन करवाया और उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्शन किया होगा मेरे ख्याल से। जैसे उन्होंने बताया कि इनका सपना था पहले कभी एक्टिंग करनी है, जब फर्स्ट टाइम एक्टिंग की मुझे लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहे हैं। वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी पंक्चुअल, वेरी हार्ड वर्किंग और इन्होंने बहुत अच्छे एक्शन भी किया है। अभी तो गाना प्ले होगा, आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गाना बहुत अच्छा सुना है, प्रोडक्शन हाउस भी है, उनका लेबल भी है मुलाज म्यूजिक, जहाँ से गाना आ रहा है। साथ में लेबल है ये स्पेशल म्यूजिक, जहाँ गाना आ रहा है, सब पे बहुत ज़्यादा प्यार दो। सर आप बताइए दिनेश सर के बारे में। He is a very old friend and we know each other since almost more than 6-7 years now. And he's a wonderful man. I've seen him growing from one step from one level to another level. मैंने पहले भी इनके डायरेक्ट किए हुए गाने देखे हैं एंड ही सिलेक्टेड वेरी वेरी वेल एंड प्रो डायरेक्टर बन गए। बातों के भी धनी है, बड़े प्यार से ना सबको बता देते हैं। और मैंने इनको एक गाने की बता रखा है और ये साइंड है हमारे पास। नहीं, मुझे भी इन्होंने बताया, बस इन्होंने जो भी कुछ किया हुआ है सूर्य इज लुकिंग वेरी नाइस वेरी गुड एंड आई होप कि गाना चले एवरीबॉडी शुड एंजॉय एंड लव दिस बस गाना हिट होगा हमारा डायरेक्टर और हमारा एक्टर और गाने लेके आएंगे और गाने लेके आएंगे हमारे बहुत सारे गाने प्लान भी उनके तो गाना भी और भी हमारा प्लान है जो प्रोड्यूसर के बाद एक एक्टर बने हो, किस तरह फीलिंग लग रहा है कि आपका सपना साकार हो रहा है? मुंबई नगर ही आपका सपना है पूरा कर रहा है, किस तरह की आपको लग रहा है? प्रोड्यूसर मज़ा आ रहा था, एक्टर भी एक्टिंग करने में मज़ा आ रहा है? देखिए मज़ा तो एक्टर बनने से आया क्योंकि मेरा ड्रीम एक्टर बनने का था, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी थी, कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं था इतना खास एक्टर बनने के लिए, तो वो सपना हमारा बहुत लेट पूरा हुआ। लेकिन जब हुआ बहुत शानदार पूरा हो रहा है। दिनेश भाई का पूरा पूरा योगदान है कि मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं एक्टर लॉन्च होऊंगा तो इतने शानदार तरीके से लॉन्च होऊंगा। और इसमें कोई दराय नहीं है, यानी कि गाना मेरा है इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। आई एम डैम श्योर कि आपको गाना वाकई में बहुत अच्छा लगे। किस टाइप का गाना, रोमांटिक है या एक्शन है? बेसिकली ये गाना एक मतलब जब मैंने गाना सुना है मेरे को तो मुझे लगा कि गाना मेरे रियल बेस है। बेसिकली गाना है यारी, मतलब गाना यारों वाला, मतलब जैसे क्या कहते हो यारी दोस्ती, मतलब यारी दोस्ती पे थोड़ा सा, मतलब हमने कैसे यार एक्शन पैक चलिए प्रभात मैम व्हाट यू से अबाउट द सूर्य सर इंट्रोड्यूसिंग इन दिस म्यूजिक वीडियो एंड अबाउट दिनेश सर वेल द अबाउट सूर्य सर एंड अबाउट दिनेश मैम काफ़ी अच्छा सॉन्ग रहा है ये और सॉन्ग का नाम है भी है दिनेश भाई बहुत अच्छा और ये सर तो हमेशा दिनेश सर हमेशा कुछ नए नए और सूर्य के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सूर्या कितना बॉन्डिंग रहा उनके साथ काम करने? बहुत अच्छा बॉन्डिंग।
कहते हैं फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड इन नीड। तो दिनेश भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, सूर्या जी ऑफकोर्स यू ऑल नो की प्रोड्यूसर है, वो भी अच्छे दोस्त हैं और वो खुद लॉन्च भी हो रहे थे एज ए हीरो इस वीडियो में, और उन्हें चाहिए था कोई अपना अपना बंदा जो उसमें अच्छे से काम करे। मैंने नेगेटिव शेड पहली बार लाइफ में प्ले किया है एंड आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले, सो दिस टाइम आई गॉट द राइट अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन सी अलग तरह का लग रहा हूँ। घर की चीज़ थी, गाना बहुत अच्छा था बोलते बोलते, एंड दिनेश भाई का डायरेक्शन बहुत अच्छा, और इसमें जिस हिसाब से खर्चा किया आपको वीडियो क्वालिटी देख के पता लगेगा गाना वाकई बहुत अच्छा बना है। आई हैड गुड टाइम, आई हैड रियली फन टाइम, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। किस टाइप के करेक्टर है आपको जो बोलते बोलते में जो नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, क्या है नेगेटिव शेड है? लाइक माफिया काइंड ऑफ देखिए, पूरा पावरफुल बंदा है, माफिया आइडॉन टाइप है, बट एक राइवलरी शुरू हो जाती है और इसका सिर्फ यहीं पे एंड नहीं होगा, इसका पार्ट टू भी आने वाला, सो दिस सीरीज इज टू बी कंटिन्यू। ओम नीचे क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भाई के काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल गाना आ रहा है, क्या विषय देना चाहते हैं उनको आप? वो तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, दिनेश मेरा बहुत पुराना दोस्त है और जब मिर्जा को एक्टिंग करता था तब से दोस्त है, उसके बाद वो कास्टिंग करने लगा, फिर एक्शन करने लगा, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को। एक नया उन्होंने लॉन्च किया लड़का सूर्य, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, उनके साथ में हेल्प करने वाले बहुत जल्द, तो अगली बार आप मेरे लिए आएंगे दोस्त, क्या बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को और आप कुछ कहना चाहेंगे? अरमान भाई, आपको जो आने वाला एल्बम है वो भी तैयार कर रहे हैं, पूरा पब्लिक का तैयार, किस टाइप का गाना है, रोमांटिक है, एक्शन है, क्या? मेरा गाना जो है वो रोमांटिक भी है और एक जो गाना है वो बहुत ही इमोशनल भी है और ट्रेजिक भी है, तो दो गाने आ रहे हैं मेरे, क्या बात, बहुत ज़्यादा उनकी शूटिंग राजस्थान में और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पे है, जैसे कि हवा महल में है, जयपुर के जो बाकी किले हैं वहाँ पर है, तो बहुत ही जल्द आपको वो आपके सामने वो एल्बम जरूर आएगी और आपका प्यार अपने आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही चाहता हूँ मैं आपसे और आपको करवाना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू राधे राधे एवरीवन। सबसे पहले तो और बहुत खुशी हुई मुझको ये म्यूजिक वीडियो करके, दिनेश सर को तो आप सभी जानते ही हैं, बहुत प्यारा इनका डायरेक्शन है, बहुत प्यारा म्यूजिक है, हमारे बड़े भाई सूर्या भाई इस बार लॉन्च हो रहे हैं और बहुत ही उमदा एक्टिंग उन्होंने करी है म्यूजिक वीडियो की, जैसा कि आप कमाल का कॉन्सेप्ट है, एक लड़के की स्ट्रगल की, उसकी स्ट्रगल करने के बाद उसके आगे आने की कहानी के बारे में ये पूरा म्यूजिक वीडियो है और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि दिनेश सर ने मुझे बुलाया और मुझे ढूंढ के बुलाया कि आपको इसके अंदर रैप करना है। सूर्या भाई रिकॉर्डिंग में भी आए, मतलब एक होता है डेडिकेशन, एक होता है पूरा इन्वॉल्व होना किसी प्रोजेक्ट में, सो व्हाट आई थिंक कि सूर्या भाई एज ए प्रोड्यूसर भी और एज एन एक्टर भी पूरी तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट रहा उसके अंदर, तो रिकॉर्डिंग में भी आए सर, इन्होंने अपने मुताबिक मुझे बताया कि इस तरह की हमारी स्टोरी है एंड आई रोट द रैप इन जस्ट वन नाइट और सर ने पूरा उसको कन्फर्म किया, सर ने ओके किया, हम लोग अभी ये म्यूजिक वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं, इसको बहुत सारा प्यार आप दीजिए और आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये गाना हमारा पसंद आएगा, ये हमारी कोशिश पसंद आएगी, थैंक यू सो मच। इसकी बड़ी लंबी कहानी में शोर चाहता हूँ कि हमने गाना ये रिलीज हुआ था और हमने गाना हमने बनाया है, उसमें रैप नहीं था लेकिन इनके रैप ने चार चांद लगा दिए, आज रैप भी झूम रहे थे, ऐसे ही सबने बोला रैप कि आज का ही गाना फिर गाने पर पावर आ जाएगा, आपने सुना आप रैप बहुत अच्छा लगेगा, हर उसकी मैं सिंगर है लेकिन
सूर्य उदय हो गया सूर्य को उदय करने का जो श्रेय जाता है वो दिनेश भाई को जाता है और जो मेरी स्ट्रगलिंग कहानी उन्होंने इतनी अच्छी पेश करी मेरे पे कुछ लगा कि मेरी कहानी है किस टाइप के रैप सर रैप तो बहुत सारे आ रहे हैं किस टाइप के हैं किस टाइप के जी ये जो है अगर हम बात करें अंडरग्राउंड हिप हॉप की और कमर्शियल को दोनों को ब्लेंड करके जो बनाया जाता है जिसके अंदर एक स्टोरी टेलिंग भी हो और एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी हो थोड़ा सा गैंगस्टर वाइब भी हो तो आपको वो सारी चीज़ें इस रैप पे इस सॉन्ग के अंदर मिलेगी। पूरा सॉन्ग का जो स्टोरी लाइन है वो बेस्ड है एक स्मॉल टाउन गाय पे जो अपनी मेहनत से अपने आप को कैसे आगे बढ़ाता है कैसे आगे लेके आता है और उसी के दरमियान उसके साथ में क्या चलता है जो ज़माने में हम देखते हैं और उसी के बारे में ये रैप भी है उसी के बारे में ये गाना भी जी। थैंक यू सो मच थोड़ा पूछ ले शंकर बोलते क्या बोले वही बोले कि सूर्य प्यारा गाना लेके आ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो दिनेश सोई जी सूर्य को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये जो मेरी फैमिली है सोनिया जी हैं दिनेश जी हैं और मैं ये दावे से कह सकता हूँ सूर्य के नाम है उस मिनट में इसके बाद चलते हैं इस टेम्पल के दौरान क्योंकि ये जैसे लॉन्च करते हैं ना हर कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते ही बढ़ता है तो ये तो आगे बढ़ ही रहे हैं बल्कि प्रभु को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ मैं एक फिल्म एल्बम किया था मैंने वो भी बड़ा अच्छा लगा लेकिन ये जगह मैंने गाया था उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे लेकिन मेरी हमेशा ये बड़े दावे के साथ दावे नहीं मेरे हक के साथ जब फिल्म बनाते हैं तो मतलब ये आना ही पड़ता है। आ जाओ हीरोइन भी आ जाओ जी आओ बेबी तो मैं देखा मैंने अभी बोलते तमाम सूर्य ने काम किया बहुत पता नहीं कहाँ है ज़्यादा लेकिन ये हमारी ये बक्सा काफ़ी है ये प्रोड्यूसर के डायरेक्टर हैं बस इनको लोग इतने बल रहे अच्छे कमरे काम करते हैं कमरे का आते हैं कमरे का काम हो जाता है और लेकिन सबके लिए मेरी विशेष है आपके लिए जितना मीडिया में डाय सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत ब्लेस। अब मैं ये कहना चाहता हूँ सबके सामने दिनेश जी मेरे को वीडियो में लेके आओ उनके मारूँ माचे के साथ ठूके उड़वाओ मेरे आपके गाना रिलीज हो रहा है काफी कितने एक्साइटमेंट है आपका बोला चले गाने के बाद दिनेश भाई के साथ काम करके कैसा लग रहा है क्या हुआ उसका जन्म हुआ था कि उन्हें सब काम करेंगे अब उसकी कुछ हो भी जाता हो कहीं ऊपर भी जाती है जन्म सफल हो चुका है ये आनंद मुझे रोल ही नहीं दिया और हम हर महीने दो गाने लेके आ रहे हैं दो गाने हमारे लेके आते हैं जब इंडिया दुकान पाजी करी मैं दोबारा से एक बार
थैंक्स करना चाहूँगा जो आप सबको साथ में लेकर चलते हैं और मीडिया का थैंक्स करना चाहूँगा जो हमेशा आते हैं। मैं उनके नाम पहचान चुका हूँ, इसके भाई सचिन मीडिया प्रभात भाई दिल्ली मंत्रा सबके नाम मुझे पता हो चुके हैं, सबको मीडिया जो है क्या बात भाई, क्या पूरे मीडिया के लिए बहुत सारी आपका बड़प्पन है जी। नहीं है, ये देखना कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या बात। मैं भी यही करूंगा, मैं भी इधर इधर थोड़ा इधर साथ में आइए, साथ में आइए, साथ में साथ में एक ठुमका लगा दूंगा। चार गाने में कितने सही का आपको दिन भाई, हां मैंने सिंगिंग भी करी है, एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया है और थोड़ा कॉस्ट्यूम में भी हेल्प करी है मैंने, थोड़ा कवर के लिए इसलिए पहले जितने भी सॉन्ग जिसमें बताया कि जर्नी दिखाई एक बंदे की जो एक गरीब से अमीर बनता है और कैसे कैसे कठिनाइयों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और वो किसी लव टर्म में नहीं पड़ता और अपनी लाइफ में बहुत सारे सैक्रीफाइसेस करके आगे निकलता है। वो तो काम बोल दिए ना, हम वो अंदर कर दिया है, तो नहीं खोलूंगा नहीं पहले वो काम को पढ़ी मैं भाजी आ गया। हाँ बोला था और उन्होंने भाई दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको दिनेश भाई पहले हैं और उन्होंने कहा था कि भाई घर का गाना है, सूर्य भाई ने बोला था कि आप करना है भाई, नेगेटिव शेड था पहले कभी किया नहीं था, थोड़ा सा वो था कि यार करूँगा, इन्होंने मेरी हाँ जी दी, ये बोल रहे थे भाई बोलते बोलते, मैंने कहा ठीक है बोल देता हूँ। द वे ही हैज शोन मी इन दिस वीडियो आई एम रियली हैप्पी एंड मुझे बहुत खुशी कि मैंने इस गाने के लिए हाँ बोल दी। सर आपका बोला कितने प्यारे गाना है, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करूँगा मेरे ब्रदर को सूर्य भाई को, तो देखिए पोस्टर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और टैलेंट की तो कमी है नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं, सिंस 2004 टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो आई विश एंड आई होप ये गाना सुपर हिट होगा। सूर्य भाई के बारे में क्या बोलना है, प्रोड्यूसर से एक्टर बन गए, एक्टर में कितने सारे सूर्य एक्टर दे रहे, क्या बोलना है देखो यार, सूर्य भाई प्रोड्यूसर थे, हमें तो लगता है ठीक है हाँ एकदम सॉलिड एकदम हैवी ड्यूटी प्रोड्यूसर है, उनका है रुतबा है, लेकिन जब उन्हें एक्टर है मैं दो मिनट में करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर बोला नहीं भाई आपको इसमें करना, मैं क्या करूँगा भाई आपको नेगेटिव करूँगा, मैंने कहा यार हीरो आप बने जा रहे हो मुझे नेगेटिव बना दे, नहीं नहीं भाई विलन ओवर पावर ऐसा है जिस तरह से, फिर दिनेश भाई ने मुझे इसकी नरेशन दी तब समझ में आया, बट भाई मैं बता रहा हूँ इन्हें डेब्यूटेंट मत समझना, ये कोई नए लड़के नहीं कि आगे थिएटर के बंदे हैं, कई साल थिएटर किया है, बहुत सारी इन्होंने एक्टिंग की दुकान पहले ही खोल रखी बहुत सारी, तो ये कोई न्यूकमर मतलब समझना, ये पुराने खिलाड़ी है पुराने चावल है और इन्होंने आप देख लो आपको देख के पता चल जाएगा कि कोई न्यूकमर इतना अच्छा काम नहीं कर सकता है। सुनिए भाई आपके पहला टेक देख कितना नर्वस थे आप, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था, ये नर्वस था क्या करेंगे, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था और मैं सिर्फ एक बार शोर था कि मेरी भाई नेगेटिव रोल के लिए हाँ करेंगे नहीं हाँ करेंगे, क्योंकि जब भाई से मैं लास्ट पार्टी मिला ना तो मैंने एकदम दिमाग लाया कि भाई कुछ रोल है आपके लिए बताओ करेंगे कि अपने से ज़्यादा डर था दिखते से, फिर भाई ने डिस्क्राइब किया, भाई ने एकदम हाँ कर दिया वो सुपर, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि तुझी पोंडी बनेगी, लग रहा है कि मतलब हीरो हीरो बहुत ही पंडी रहती है पोंडी हीरो हीरो लग रहा है, हमें कमी नहीं भाई, जैसा कि मैंने पहले बोला था ये
टू बी कंटिन्यूड है, दिस इज नॉट द एंड, इसका पार्ट टू भी आने वाला है। और क्या है ये बताएंगे, अभी ये सस्पेंस है और ये और दो नॉच ऊपर जाएगा गाना। थैंक यू सो मच सर, दिनेश जी बेस्ट ऑफ द पार्टी है क्या, ये हमें जो भी है सिलेक्ट हुआ है आप बेस्ट है, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा शूट हुआ है, गाना इतना अच्छा है, अच्छी वाइब है उसको कि आप सुनेंगे तो बहुत मैंने इतने अच्छा सिंगर राधे राधे गाना अच्छा है, बहुत अच्छा शूट, बहुत अच्छा गाना है। और ये पहला एज एन एक्टर पहला प्रोड्यूसर तो नहीं है, लेकिन गाना ऐसा शूट हो और उसमें हृदय जी हो राधे 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 जय श्री राम जय श्री राम। सिंगर हो चलिए ब्राजी मैम अरे वो मैम बोलते बोलते दिनेश सर के बारे में और सूर्या इंट्रोड्यूस करें क्या कहेंगे देखने गाना तो बहुत अच्छा है ना हमेशा बहुत ही क्रेजी काम करते हैं यस मैम बताइए गाना देखा नहीं उसने यार मैंने अभी तक गाना नहीं लिखा बट मुझे 100% पता है उनका साउंड बहुत ही अच्छा होता है हमेशा बोलते कैसे बताया गया विश्व के नाम क्या होते हैं फाइनल कुछ कहते हैं काम किए भाई हमारे भाई ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया मैं अभी वीडियो देख कर आ रहा हूँ और बन गए तो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कोई फ्रेंड बहुत बढ़िया काम करें तो साथ दे सपोर्ट करते हैं तो अच्छे दूसरे के लिए आते हैं तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और उसके पीछे हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन भाई को जब से आईडिया का मेन नेगेटिव अवार्ड मिला उसके बाद मेरे अंदर भी तमन्ना जागी मैं भी एक बार नेगेटिव कर लूँ बट वेरी हैप्पी पहली बार एक्टिंग के प्रोड्यूसर से एक्टर बने सूर्या भाई टक्कर दे रहे सौ के एक्टर को क्या बोलना चाहते हैं कुछ देना चाहते हैं आप टक्कर हम किसी को दे रहे हम अपने आप को टक्कर दे रहे हैं जब किसी को टक्कर मिलेगी ना तो हम बाहर निकल के आएंगे किसी को टक्कर नहीं होगा मैं फिर सबको टक्कर क्या बात क्या बात सर आप कुछ बोलना चाहते हैं सूर्या भाई के बारे में क्या है हमें अपना बेस्ट देना किसी से कंपटीशन करके हमें हमेशा ऐसा करना है कि हम जब भी कुछ भी करें बेस्ट करें उन्होंने अपनी बॉडी में भी वो बहुत वर्क किया है और गाने में भी बहुत अच्छे से एक्टिंग भी निकली है उनकी और एक मोटिवेशनल सॉन्ग जो इनकी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जिंदगी से नया लेके आओ अगर आप नया लेके आओ किसी कॉपी के लिए और किसी से काम होगा तो आपको बिजनेस स्टोरी के बारे में क्या बोला चाहते हैं अरे बनवा बोलता नहीं
थैंक यू बेस्ट अपना धन्यवाद। एक विजुअल ले लो भाई टिंकू पाजी। हाँ fantastic job and he is amazing, he's always been an amazing person, great director, and this time is going to be super duper hit, fantastic. Yes. Wait, already he is right? Congratulations. He's heard it so many times. Yes. आप बताए सॉन्ग के बारे में, सॉन्ग देखे आपने बोलते बोलते बहुत अच्छा सॉन्ग, अमेजिंग सॉन्ग। आप क्या बोल सकते हैं? इज गुड यार, ये वाज फैंटास्टिक। मुझे तो यार उसकी याद आ गई, झुकेगा ना ये, झुकेगा साला। हिज एंट्री वाज अमेजिंग। आप क्या बोलना चाहते मैडम? सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा क्यूटी है, जैसा यू नो क्लब में जाते जैसा वाइब है ये सॉन्ग में, डांस वाला जो मिक्स है ना, दिस सॉन्ग हैज अ टॉन, बहुत अच्छा है। जो भी है इवन सूर्या न्यूज आई थिंक पुष्पा वाले वाइब दे रहे हैं, गैंगस्टर टाइप तो सबको आज की वेरी जेंटी दिस सॉन्ग, वेरी जेंटी, वेरी क्यूटी, वेरी पेटी। एंड दिनेश इज इन अ फैबुलस जॉब डायरेक्टिंग इट, आई थिंक या सुपर हिट द सॉन्ग। गाना देखा किस टाइप के गाए, हुक लाइन कोई अगर एक लाइन गा सके हुक लाइन तो बहुत बेटर रहेगा। अरे यार डाल के दो तो मजा आएगा। नहीं नहीं चलो रैप हो जाएगा, हो जाएगा हिसाब हमने दे रहा खिलाफ हमने हवा मेरे भाई तेरे अपने सब बातों को मेरा सर क्या बात है। अपने थैंक यू गाइस, थैंक यू आगे के लिए आप गाना देखिए, गाना देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।